नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर शिरोमणि अकाली स्त्री अकाली दल विंग की प्रधान बीबी जागीर कौर ने लोकसभा चुनाव 2019 की जीत को पक्का करने के लिए स्त्री अकाली दल विंग की नव नियुक्तियों की लोकसभा की 13 सीटों को जीतने का दावा किया। सुखपाल खेरा पर बरसते हुए कहा कि उसकी राजनीतिक इच्छाएं बहुत बड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए वे कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं टकशाली अकाली दल के नुमाइंदों को गद्दार अकाली दल करार दिया। गुरदासपुर जिले की हल्का बटाला से गुरुद्वारा सतकर्तियों साहिब की बीवी जागीर कौर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें जिला गुरदासपुर की महिला इकाई को मजबूत करते हुए कई नियुक्तियों की गई। इस मौके पर बीवी जागीर कौर ने कहा कि किसी भी सरकार को बनाने के लिए महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होती है। वहीं सुखबीर बादल ने महिलाओं को सम्मान करते हुए शिरोमणि अकाली दल में महिलाओं की हिस्सेदारी बनाई। सुखपाल खेरा को डरपोक बताते हुए कहा कि वो कांग्रेस का एजेंट है, हार के डर से हल्का बदल रहा है, हिम्मत है तो भूलत से चुनाव लड़े। सुखपाल खेरा की इच्छाएँ बहुत बड़ी है, वो आसमान में टाकी लगाना चाहता है। अपने स्वार्थ के लिए खेरा किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं शिरोमणि अकाली दल से बागी हुए टकशाली अकालियों को गद्दार अकाली दल बताते हुए अपनी पार्टी को टकशाली अकाली दल बताया। प्राइम न्यूज 24 के लिए विक्की मलिक की खास रिपोर्ट। बढ़िया जिस नाल असी बहुत मजबूती जा रहे हैं और औरत भी समझती है कि ये केवल तो केवल सानू मान सम्मान श्रोमणी अकाली दल दे सकता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि मैं तुहाडे सामने बैठी है कि जे धर्म सिख धर्म एडा महान धर्म है, कोई संस्था देख लो किसी धर्म की धार्मिक संस्था अज तक किसी धार्मिक संस्था की कोई मुखी औरत नहीं हुई। जे किसी ने मान सम्मान श्री गुरु नानक साहब जी के हुक्म अनुसार दिता है तो यह श्रोमणी अकाली दल ने दिता कि उस महान संस्था श्रोमणी कमेटी के मुख्य सेवादार होने के वजों यह मान सम्मान एक औरत को मिले, जी दुनिया में एक लोग गुमराह हो गए थे, लोगों को बड़ा भंबल भूसे च पा दिता गया, एवें शोषण छड़ के नशिया का दौर चल गए जी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो गई जी, इन्हां चीज़ों के नाल लोगों को गुमराह करके एक तीजी पार्टी हवा च पैदा हुई, आम आदमी पार्टी, उन्हें आके वोटों को वंड दिता और जिदे करके जी कांग्रेस की होंद में आई और कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस और बाकी सारिया आम आदमी पार्टी ज जिन्या भी अज निके निके पार्टियां निकल के आ रही, वो केवल तो केवल कांग्रेस को फायदा देने वास्ते बन गई। मैं समझती हाँ कि श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जी धर्म के सिद्धांत के अनुसार और पूरी पॉलिसी के अनुसार लोगों में अपनी सेवा लेके जाती है। अज भी असी उ अपन भैन जागरूक करने वास्ते आए थे कि तुहाडा विरसा देखो उद चोणा हुई ही नहीं, असी तो कहिंदे सी जां ते इहनां नॉमीनेशन ही हो जानी चाहिए है, क्योंकि चोणा हुंदियां जिहड़ी लोगों को आजादी के नाल लोग वोट पाउण, डेमोक्रेसी उन्हों कहिंदे आ जिहड़ा लोग आप घर तो उठ के जाके वोट पाउण, पेपर फाइल करने हुण लोग आजादी नाल पेपर फाइल कर, जदों असी घर बैठिया पेपर भी रद्द कर दते, नुकसान कर दिता लोगों वो पेपर भर नहीं दते, कागज कैंसल कर दते, तो लोगों इन्नी दहशत पा दी घर घर के इन्हों ने मुलाजमान राही सरकार राही पुलिस राही कि वोटा पाने वाले भी डरा डरा के कि तुम थोड़िया पुत्रां दी नौकरियां असी बदलियां कर देवे, तुहाडियां पेंशनां बंद कर देंगे, मतलब कहने तो बाद थ्रैट कर करके जिहड़ियां वोटां पाई गई, वो कोई वोट नहीं सी, बिना वजह तो लोगों कमजोर करने की गल की गई पार्टी ने। पर एक मैं तुम दसती हाँ जो भी तुम किसी बॉल में दबाओगे ना वो ज़्यादा उभरेगी, इस तरह जो अज लोगों दबाया जा रहा है तशद्दुद किया जा रहा है लोग जागरूक होए और आने वाले समय के लोग उन्होंने सबक सिखा देंगे, औरतों को मजबूत करने के संबंध में ही, औरतों को लामबंद करने के संबंध में ही, औरतों को श्रोमणी अकाली दल दियाँ जो पॉलिसीज है घर घर पहुँचाने वास्ते स्त्री विंग जरा वो काम करे और आने वाली चोणों के अपनी पूरी भूमिका निभावे, क्योंकि ये राजनीति तो परिपक्व होगी, राजनीति में तो होगी जे आप घर चो बाहर निकल के काम करेंगे। असी होर नियुक्तियां की मैं नामा तो नहीं चेता लिखे हुए ना दे देंगे, मैं वैसे तो चाहती नहीं होंगी कि मैं वो कोई गल करा, क्योंकि मैं समझती हाँ कि जेडे व्यक्ति का कोई किरदार नहीं, जिस व्यक्ति की कोई स्टेबिलिटी नहीं, जिस व्यक्ति की कोई किसी किस्म की किसी नाल कमिटमेंट नहीं, जिस व्यक्ति का किसी पार्टी में कोई सेवा का संबंधी कमिटमेंट के नाल असी सेवा करते हैं, वो व्यक्ति की ना तो कोई पार्टी है जी, ना वो किसी पार्टी का वफादार है जी, ना कि सिर्फ एक ही है कि वो लालच कितने पूरे होंगे, वो बहुत बड़ी इच्छावान लैके तुरंत हो इच्छावान होनी चाहिए, लेकिन बिच पार्टी दे रह के अपने काम करो, लोगों की सेवा करो, अपनी दृढ़ता दे नाल वफादारी दे नाल लोगों की कीती सेवा नूं संभालो। हुण लोगों ने इलाके वाले नूं एमएलए बनाता, वह भी किदां बनिया सी जी, बनना ही नहीं सी,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਈਟ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਪਲੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ 5,500 ਵੋਟ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ, ਸਾਰੀ ਵੇਵਰਿੰਗ ਵੋਟ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਵੋਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ NRI ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ NRI ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ NRI ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 7,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, 7,000 ਵੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, 4,000 ਵੋਟ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਈ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ?